medicine. I'll wait your hands out of the way. Hare Krishna. जैसा कि हम जानते हैं चार वेद हैं और बहुत सारे उपनिषद हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भागवत महापुराण का उसमें जो अपना स्थान है वो अमूल्य है। गीता में भगवान एक जगह बोलते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तन्म आश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं कोई मानव शरीर लेकर के मानव लीला करता हूं तो बोल रहे कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, कि उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी तो हमारे जैसे है। मानुषीं तन्माश्रितम्, वो भी मनुष्य शरीर कौन कहता है भगवान है। तो भगवान उनके लिए क्या कहते हैं गीता में, मूढ़ा, मूर्ख लोग हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं कोई कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी अवतार ले सकता हूँ, कुछ भी धारण कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैंने मनुष्य शरीर ले करके बहुत सारी दिव्य लीलाएं कर दी तो उनको लगता है मेरे जैसा है, मैं चलता हूँ ये भी चलते हैं, मैं खाता हूँ ये भी खाते हैं, मेरा परिवार है इनका भी परिवार है, अंतर क्या है। तो परम ब्रह्म को इस तरह से नहीं समझा जा सकता। तो बहुत बार लोग उनको वैसे ही समझ लेते हैं जैसे कॉमन लोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे कैदी हैं जो जेल में रहते हैं, तो सारे कैदी हैं वहां पर रह रहे हैं, किसी सजा की वजह से अपना भुगत रहे हैं, जीवन भुगत रहे हैं। लेकिन किसी दिन प्रधानमंत्री की इच्छा हुई कि मैं भी जेल देखना चाहता हूं, तो जेल में आ गया। जब जेल में आया तो सारे लोग बोले कैसा प्रधानमंत्री, देखो जेल में, ये भी जेल में, हम जेल में, ये भी जेल में। तो प्रधानमंत्री जेल में है लेकिन आपकी तरह कैदी नहीं है, आपके कंडीशन की तरह वो बंधा हुआ नहीं है। तो वैसे ही जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक धराधाम पर आते हैं, दिखने में हम जैसे ही हैं क्योंकि वो मानव लीला करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे अलग हैं, वो दिव्य है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए कोई कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है क्या जेल में, नहीं, वो पूरा का पूरा जब चाहे जिसको चाहे उसको मुक्त कर सकते हैं, और जब मर्जी तब आए, जब मर्जी तब जाए। लेकिन जो कैदी है उनके लिए नियम कायदे कानून है, भाई आप अगर पूरी की पूरी चीज का पालन करेंगे तो आपकी सजा कम की जाएगी, नहीं तो बढ़ा दी जाएगी। तो हम वहां पर जो कैदी है वो बंधे हुए हैं वहां के कायदे कानून से, नियमों से। वैसे ही जितने भी जीवात्माएं हैं, विशेष करके मनुष्य जीवात्माएं मानव शरीर में जो है, तो वो सब भी इस भौतिक संसार में है, और कभी कभी भगवान भी हमारे साथ में आकर के लीला करते हैं। तो भगवान जब लीला कर रहे हैं तो वो किसी भी नियम से, किसी भी परिस्थिति से बंधे नहीं है, लेकिन हम बंधे हुए किससे, अपने कर्मों से। हमारे कर्म में जो हमने पूर्व जन्म में अपने प्रारब्ध किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। और तो और हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम इनके परे नहीं है, लेकिन भगवान क्या है, वसुदेव शुद्धम सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भगवान क्या है, वो ऐसे वसुदेव है जो तीनों गुणों से परे है। हम तीनों गुणों में बंध के रहते हैं, लेकिन अपने जैसा देखने के बाद हमको भी लगता है कि अरे ये भी तो वैसे ही है। हम अपनी परसेप्शन या अपने अनुभवों को दूसरे पर थोप देते हैं कि वो भी हमारे जैसा होगा। जैसे हम बहुत बार कोई भी कार्य किए होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने जैसे जेल का उदाहरण दिया, हम जेल में हैं, मतलब कैदी जेल में है, उसने प्रधानमंत्री को भी देख लिया, उसको लगता है हमारा अनुभव कहता है ये भी कैदी ही है। ये आपका अनुभव है, आप अपने अनुभव को दूसरों पर मत थोपिए, ऐसा हर किसी के लिए अप्लीकेबल हो ऐसा नहीं है। एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति थे जिनको कटहल खाने की बहुत इच्छा हुई, कि मैंने सुना है बहुत कटहल बहुत अच्छा होता है, शहर से थे तो कटहल खाने के लिए गांव में आए, तो गांव में उनको कटहल मिला, फल मिला, तो कटहल खाने लगे। तो चूंकि दाढ़ी मूछ काफी थी, तो दाढ़ी मूछ होने की वजह से वो सब लगने लगा, चारों तरफ लगने लगा। तो यार ये कैसे खाया जाए, तो बड़ा दिक्कत हो रही है। तो किसी ने बोला देखो ऐसा करो, ये सब सेविंग करवा लो, सेविंग करवा लोगे तो खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वैसे भी भारत में हर कोई दाढ़ी मूछ तो रखता ही था, ये तो नए ट्रेंड के हिसाब से हम लोग अभी कर रहे हैं। तो उन्होंने इतना मुड़वा लिया और जब खाया तो बड़ा आनंद आया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक दिन ऐसे जा रहे थे, उस समय जितने ब्रिटिश लोग थे यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो एक अंग्रेज को देखा पूरा सपाट, बोले अरे तू भी कटहल खा रहा था क्या भाई। उसका अपना कंडीशन है, आप अलग कंडीशन से हैं। तो हम अपने अनुभवों को दूसरे पर थोपते हैं, वैसे ही भगवान हमारे अनुभवों से बंधे नहीं है। तो भगवान जब धराधाम पर आते हैं तो वो अपनी लीला करते हैं,
और अपनी स्वेच्छा से वो सब कर रहे हैं। तो कोई भी मनुष्य अपने जैसा देख करके, हमारे जैसा हाथ पैर है, हमारे जैसे सब कुछ करते हैं, तो ये भी हमारे जैसे हैं, हम उन अनुभवों को नहीं बोल सकते। कई लोग बोलते हैं, अरे देखिए कृष्ण को भी श्राप लगा जिसकी वजह से उनके पूरे पूरे यज्ञ कुल का नाश हुआ। ये सब कहने की बातें हैं। भगवान के ऊपर कोई नियम कायदे कानून नहीं लगता। जो तीन गुणों से बंधा है उसी के लिए कायदे कानून है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, जब आप रोड पर चलते हैं तो ट्रैफिक के रूल को पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फ्लाइट में जा रहा है तो लाइट जले या बंद हो कोई फर्क पड़ता है क्या? तो भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए वो कुछ भी करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, और रासलीला भी कर लेते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। तो भगवान जो भी कोई भी कार्य कर रहे हैं वो तीनों गुणों से मुक्त है, इसलिए अपाप विद्धम बोला गया है। जैसे सूर्य को कभी भी अंधकार टच नहीं कर सकता है, कभी अंधकार जा सकता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। वैसे ही भगवान अपाप विद्धम है, कोई भी पाप या अंधकार या अज्ञानता उन तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो ये भगवान है। तो इस तरह से भगवान की जो गुण है, जो लीला है, ये भागवत महापुराण में पूरी तरह से वर्णन है इसका। मैं इतनी चर्चा इस पर क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, जैसे भगवान हम जैसे दिखते हुए भी हम जैसे नहीं हैं, बिल्कुल अलग हैं। जब दुर्योधन की सभा में भगवान पहुंचे तो दुर्योधन को समझाने की कोशिश किया, लेकिन दुर्योधन को क्या लगता था, अरे ये क्या समझाएंगे हमको। बातचीत किया, जब दुर्योधन को पसंद नहीं आया तो उसने क्या आदेश दिया, बांध दो इसको। देवदूत बन के आया, मतलब मीडिएटर बन के आया, बांधो इसको। जब बांधने के लिए चले तो फिर भगवान ने अपना पूरा विराट रूप ही वही दिखा दिया। एक्चुअली कुरुक्षेत्र के पहले ही विराट रूप दिखा चुके थे उन्होंने पार्षद। तो ये सब जब देखा तो कौरवों की पूरी सभा स्तब्ध रह गई। ब्रह्मा विष्णु सारे सब भगवान के शरीर से सारे देवता निकलने लगे और सब पूरा दैदिव्यमान हो गया। तो जितने थे सब अंधे हो गए, कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ प्रकाश दिख रहा है। तो जब भगवान वहां से चले गए तो कुछ घंटों तक लोग बोल ही नहीं पाए, हुआ क्या। फिर दुर्योधन बुला रहे, चलो तो माया वही है, छलिया है, कुछ भी करता है, चलो चलो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, फिर से वही है। तो जिसकी चेतना जिस तरह से है वैसे देख सकता है। इसीलिए भगवान को समझना है तो बोल रहे हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव सव्यतम, आपको इन तीनों गुणों से परे जाना होगा। भगवत गीता में भगवान साक्षात क्या बता रहे हैं, त्रैगुण्या विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुनो। हे अर्जुन, ये तीनों जो सारे वेद है, पुराण है, ये सब ज्यादातर किससे बने हुए हैं, तीन गुणों से बने हैं। इसलिए अगर इन तीन गुणों से आपको आप मुझे समझना चाहोगे तो असंभव है। तो क्या करो, कैसे समझो, निस्त्रैगुण्य, इन तीनों गुणों से बाहर आओ। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, मैं इतना सब डिस्कशन क्यों कर रहा हूं। तो उन तीन गुणों से अगर हमको बाहर जाना है तो इसलिए ऐसा साधन चाहिए जो तीन गुणों से परे हो, तभी तो हम उसको अपना सकते हैं ना। अगर हमको साधन ही नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कैसे। इसलिए बोल रहे हैं कि उन तीन गुणों से परे जो साधन है उसको भागवत महापुराण कहते हैं। भागवत महापुराण अमर पुराण है जो तीनों गुणों से परे है। तो इसलिए जब कोई भागवत महापुराण का शरण लेता है तब वो जाकर के वास्तव में भगवान को समझता है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन चश्चामि तत्त्वतः। अगर कोई मुझको समझ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भक्त ही समझ सकता है। तो फिर भक्त बनना पड़ेगा ना। तो भक्त कैसे बने सर, क्या तरीका क्या है? बोले भागवत महापुराण पढ़िए, हमारी भक्ति के हर अंग है उसमें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नौ विधि की भक्ति है, सब कुछ का पूरा डिटेल्ड वर्णन है। अब फिर से मैं अपने पॉइंट जिसको मैं इतना इलेबोरेट कर रहा हूं उसको डिटेल में बताता हूं। मैं इतना चर्चा क्यों किया, भगवान हमारे जैसे दिखते हैं लेकिन हमारे जैसे है नहीं। भागवत महापुराण भी वेदों जैसा दिखता है, पुराणों जैसा दिखता है, उपनिषद जैसा दिखता है, संहिता जैसा दिखता है, लेकिन है नहीं। ठीक है ना, ये है नहीं। वेदों के रचयिता जो व्यासदेव हैं, जब उन्होंने सारी रचना कर ली, सारे पुराणों की रचना कर ली, इतिहासों की रचना कर ली, वेदों की रचना कर ली, सब कुछ करने के बाद वो बद्री का आश्रम में, वहां पर बद्री के पेड़ के नीचे, वहां पर सरस्वती के किनारे बैठ करके काफी चिंतित थे। इतना अच्छा कार्य किया हूं मैं, लेकिन इससे दुख क्यों हो रहा मुझे। एक होता है जब आप किसी का भला करने गए, कोई गरीब था उसको भला करने के लिए गए कि ये लो तुम्हारे लिए मैं कुछ सामान लेके आया हूँ। वो सामान देते देते समय आपने कुछ उसको दिया तो ऐसा हो गया कि जो सामान उसके पास था वो भी गिर गया था, सब बेकार हो गया। तो आपको बड़ा दुख लगेगा, मैं हेल्प करने गया और हेल्प क्या किया, उसके पास जो था उसको भी बर्बाद कर दिया, कष्ट होगा कि नहीं। तो वैसे ही वेद व्यास क्या थे, समस्त जीवात्माओं पर कल्याण करने के लिए उन्होंने क्या किया, वेदों की संकलन किया। उसके पहले जैसे आप बता रहे थे सब ओरल था, सब श्रुति में था,
सब मेधा मेधा लोग याद रखते थे, लेकिन कलयुग के सिम्टम को देखते हुए उनको लगा कि नहीं अब तो लिखना पड़ेगा, लोग कल दोपहर में क्या खाए थे वो भी भूल जाएंगे तो पुरानों को कैसे याद करेंगे। तो उन्होंने उसको लिख दिया। जब लिखा, उन्होंने वेद लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, संहिता लिखी, पुराण लिखे, इतिहास लिखे, इतिहास में महाभारत और रामायण, ये सारी चीजें जब लिखने के बाद तो उनको खुशी होनी चाहिए कि मैंने कुछ भला कार्य किया, अच्छा कार्य किया है, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, चूंकि वैसे ही हो गया, भला करने गए थे लेकिन कुछ गलत कर दिया। तो जब उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी तो उनके गुरु जी हैं नारद मुनि, जो भक्ति सूत्र के प्रतिपादक हैं, तो उनको समझ में आ गया। जब वो वहां पर आए, बोले अरे इतने असंतुष्ट क्यों हो तुम, इतना अच्छा कार्य किया है तो इससे असंतुष्ट तो नहीं होना चाहिए, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो बोले कि वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया मुझे संतुष्ट होने की वजह असंतुष्ट होना पड़ रहा है और मुझे ग्लानि सी हो रही है। तो नारद मुनि ने बोला कि देखिए, पहले से ही जीवात्मा जो थी नरक की तरफ जा रही थी, पहले से वो नरक की तरफ जा रहे थे और तुमने उनको गाड़ी दे दिया कि थोड़ा फास्ट जाइए, इससे संतुष्टि मिलेगी क्या? बोले नहीं। बोले ऑलरेडी वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका पालन करने की वजह से नरक की तरफ जा रहे थे, तुमने उनको अच्छा तरीका बता दिया कि कैसे करोगे, फंसोगे नहीं और हो भी तो और आपने उसको स्पीड गति से दे दिया। तो उन्होंने अभी तक जो किया था वेदों की और रचना की थी, तो सारे वेद उन्होंने चार पुरुषार्थ के लिए किए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले अरे भाई, कोई भी पैसा कमाएगा वो तो भोग ही करेगा ना, और आपने एक लीगल तरीका बता दिया कि चोरी भी करो पकड़े भी ना जाओ, ये कोई बात हुई क्या? उससे संतुष्ट होगा कोई क्या? बोल रहे कि अभी तक वो भोग करता था तो फंसता था, अब आपने भोग करने का ऐसा तरीका बता दिया फंसेगा भी नहीं, करेगा तो भोग ही ना वो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। अरे भाई, जब धर्म कमाएगा, धर्म करेगा, धर्म करने का मतलब जॉब करेगा अच्छे से, मतलब धर्म के कारण जो पैसा आता है, कि मतलब चोरी डकैती करके नहीं, अपना जॉब करके बिजनेस करके जो पैसा आएगा उसको धर्म बोलते हैं। इस तरह से धर्म करके कुछ अर्थ आएगा तो उसका क्या करेगा, वो भोगेगा ना, पहले भी तो यही कर रहा था ना, आपने अच्छा तरीका बता दिया, तो इसलिए आप असंतुष्ट हो, तो क्या करना चाहिए? तब उन्होंने बताया पंचम पुरुषार्थ लिखिए। तो भागवत महापुराण न तो धर्म, न तो अर्थ, न तो काम, न तो मोक्ष, ये सीधा भगवान की परम भक्ति के विषय में बात करता है। तो भागवत महापुराण बोलते हैं, निगम कल्प तरु गरितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संवितम पिबत भागवतम रसमालयो मुहुर अहो रसिका भूय भाविका। ये जो भागवत महापुराण है ये रसिक लोगों के लिए है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे चले गए हैं। इसलिए कभी भी मिसअंडरस्टैंड मत करिए कि भागवत महापुराण भी उन्हीं में से एक है, नहीं सर, ऐसा कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करिए। क्योंकि जो वेद है उनके चार अंग होते हैं, वेद को चार पार्ट में बांटा गया, उपनिषद, ब्राह्मण्य, अरण्यक और संहिता। तो उन सब में ब्राह्मण्य, संहिता, अरण्यक वगैरह जो होते हैं वो कर्मकांड के विषय में बात कर रहे हैं, ये पूजा कर लो, इनकी पूजा कर लो, ये मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, ये सब तो आपको संसार में बांधेगा। उसमें सबसे जो सर्वोत्तम है, ये सब वेद के ही पार्ट है, वेद कोई अलग चीज नहीं है, उसमें सर्वोत्तम क्या है? उपनिषद। उपनिषद क्या करता है? धर्म अर्थ काम से आपको अलग करके भगवान के प्रति नजदीक ले जाता है। उपनिषद, उप का मतलब होता है नजदीक, ईषद का मतलब भगवान, जो भगवान के करीब ले जाता है। तो वेदों के इस चार अंग में उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए लोग वेदों में सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी सब तो धर्म अर्थ के विषय में बात करें क्या करेंगे, वो तो हर कोई पैसा कमा लेगा। लेकिन ये भी जो उपनिषद है वो भगवान के विषय में उतना डिटेल में बात नहीं कर रहा है। उपनिषद की जो लैंग्वेज है वो इनडायरेक्ट है। जैसे अगर मैंने, जैसे हमको प्रोजी के यहाँ घर पे आना था, अगर मैं उनसे पता पूछूं, आपका पता दे दीजिए, तो क्या बताएंगे? वहां बजरंग पैलेस में आ जाइए, वहां से 10 कदम आगे चलिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, आप पहुंच जाओगे। और दूसरा तरीका क्या है? बहुत क्लोज, मैं खुद ही आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। तो वो भी एक तरीका था, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस था और उतना क्लियर नहीं था। लेकिन जब स्वयं आकर के लेकर के आ गए तो सबसे क्लियर हो गया। तो वैसे ही जब भगवान उपनिषद के विषय में भगवान की बात की जा रही है, तो उनसे पूछा गया भगवान कौन है? तन्नय जाति, तत् जाति, तन्नय जाति, तत् दूरे, तत् अंधके, तदस्य सर्वस्य अंतरो, तदस्य सर्वस्य बाह्यतः। वो सबके अंदर है, वो सबके बाहर, वो चलता है, नहीं भी चलता है, इस तरह से बता दिया गया। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। ये इनडायरेक्ट लैंग्वेज है, इसीलिए वेदों को पढ़ करके, वेदों में उपनिषद को भी पढ़ करके कोई भगवान को नहीं पाता है,
एक कंफ्यूजन में रहता है, चलता है, रुकता है, नहीं भी चलता है, पास में है, अंदर भी है, बाहर भी है, इनडायरेक्ट है। भगवान के विषय में बात की जा रही है, भगवान के गुण है सब, लेकिन भगवान का नाम बोला गया नहीं। लेकिन जब यही बात भागवत में बोली गई, बोल रहा है कि वरहा पीडम नटवर वपुः करड्यो करडिकारम विभ्रा ध्वंसम कनक कपिसम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावश्यक गीत कीर्ति। वो परम भगवान कौन है, वो परम ब्रह्म क्या है। वरहा पीडम नटवर वपुः करड्यो करडिकारम, अब देखिए वहां भी भगवान के विषय बताया गया और यहाँ पर भगवान के विषय कितनी खूबसूरती से बताया जा रहा है कौन भगवान। वरहा पीडम मतलब मोरपंख, वो मोर पंख लगाया हुआ है। अच्छा और क्या करता है सर, नटवर वपु त्रिभंगी खड़ा होता है। करड़यो करडिकारम, वो जंगल में जाते हैं तो अपने कानों पर फूल लगा लेते हैं, जंगल वाले फूल लगा लेते, गाय चराते ना भगवान। विभ्रा ध्वंसम कनक कपिसम वैजयंती चमालम, भगवान क्या पहनते हैं, वैजयंती की माला पहनते हैं और क्या करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं और क्या करते हैं सर, प्राविशद गीत कीर्ति रंध्रान वेणुर अधर सुधया, तो अपने अधरों से सुधा अमृत भर देते हैं। किसमें, बांसुरी के छिद्र में, रंध्रान मतलब छिद्र, बांसुरी के उन छिद्रों में भगवान अपने होठों से अमृत घोल देते हैं। इस तरह से नाचते गाते हुए ग्वाल बालों के साथ वो वृंदावन में गैया चराने जा रहे हैं। ये परम ब्रह्म है, सी द लैंग्वेज, सी द ब्यूटी। तो ये खूबसूरती है भागवत महापुराण की। इसलिए भागवत महापुराण और बाकी लिखे गए हैं वेदव्यास के द्वारा, लेकिन सब बहुत अंतर है। जब वेदव्यास ने भागवत महापुराण की रचना की तब जाकर खुद को संतुष्टि हुई। आप सोचिए, वेदों का रचयिता वेदों की रचना करने के बाद संतुष्ट नहीं है तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की तब जाकर को उनके खुद के हृदय में संतुष्टि आई। इसलिए जब भागवत महापुराण घर में आ रहे हैं तो साक्षात भगवान है। तो मैंने अभी चर्चा भी किया था कैसे भागवत महापुराण साक्षात भगवान के शब्द अवतार है। जब भगवान को अवतार लेना होता है तो भगवान हर वस्तु में, हर तत्व में अवतार लेते हैं। जैसे भगवान को पक्षी के रूप में अवतार लेना है, हम अवतार बन जाते हैं। भगवान को पशु के रूप में आना है, वराह अवतार, कश्यप अवतार और भी बहुत सारे अवतार होते हैं। भगवान को विग्रह के रूप में आना है तो भगवान विग्रह बन जाते हैं, और भगवान को शब्दों के रूप में आना है तो भागवतम बन जाते हैं। तो भागवतम महापुराण साक्षात भगवान है। बाकी में और इसमें अंतर है, क्या अंतर है, बाकी भगवान को देखेंगे, दर्शन करेंगे, उनकी आरती पूजा करेंगे, लेकिन अगर आप समझना चाहें, भगवान से बात करना चाहें, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत भक्ति करनी पड़ेगी। पता नहीं जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पहचानना है कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान मुझसे प्रसन्न है कि नहीं है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं और भगवान की मैं कैसे सेवा करूंगा खुश हो जाए, उसके लिए क्या करना है, पढ़िए ना, बता रहे ना भगवान। तेषां सतत रिक्ता नाम भस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्ध योगं तम ये नमाम उपयन्ति ते। बोल रहे अरे मेरी भक्ति करो भजन से, श्रद्धा से, मैं उठा के ले जाऊंगा, तुमको घबराओ नहीं, बात चल रही कि नहीं हमारी। तो अगर हम भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान को अप्रोच करेंगे तो हम ये समझ भी पाएंगे जो हमारे परम ईश्वर हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, वो हमसे क्या चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसका भी आकलन उससे हो जाता है। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं कि नहीं, वो तो हमको खुद आकलन हो जाएगा। इस तरह से भागवत महापुराण की महिमा है। ऐसे चर्चा तो हम बहुत कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी महिमा समझिए, ये बाकी पुराणों से बिल्कुल अलग है। ये है लिखा द्वारा वेदव्यास का ही है, लेकिन वेदव्यास ने अपने मेच्योरिटियों में इसको लिखा। बोलते हैं भागवत महापुराण का दूसरा श्लोक आता है, उसमें लिख रहे हैं धर्म प्रोजित कहित बोध परमो निर्मस सराणाम सतम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु स्यूतं तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनिकृते किम वा परैरीश्वर तद्यवरुद्यते अत्र कृभि सुश्रुच्वे तक्षणा। बोल रहे अगर किसी के पास भागवत महापुराण है, किम वा परैरीश्वर, बाकियों की क्या जरूरत है, अब कुछ भी मत लीजिए, हो गया सब कुछ यही है। इसलिए सारे शास्त्रों में अगर कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, भगवान के विषय में अप्रोच करना है, भागवत महापुराण जैसा कुछ नहीं है। बाकी को आप पढ़ेंगे भगवान की भक्ति मिलेगी, लेकिन उसमें आपको काम मोक्ष और धर्म ये सारी चीज मिलेगी। जैसे दूध मिलेगा लेकिन कुछ तो उसमें मिला रहेगा, शुद्ध नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति सिर्फ और सिर्फ अमल महापुराण, जिसको भागवत महापुराण बोलते हैं, उसी में उपलब्ध है। तो इस तरह से है, और वेदव्यास ने इसको अपने सबसे लास्ट स्टेज में लिखा, पूरा असिमिलेट करके, होता ना जीवन के अंत में अपने अनुभव लिखना, तो वेद व्यास ने वो किया है। इसलिए भागवत महापुराण उनके रचनाओं का होते हुए भी सबसे अलग खड़ा होता है। तो
तो ये महापुराण भगवान साक्षात आए हैं यहाँ पर, आज प्रभु जी यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, आज इनके घर में हम लोग स्थापना कर रहे हैं। और बाकी लोग भी अगर इच्छा करते हैं तो आप भी अपने घरों में भगवान को बुलाइए। हम लोग कानपुर से आए हैं, भागवत महापुराण की स्थापना भी कर रहे हैं, कई घरों में और भी कर रहे हैं। तो बड़ा शुभ दिन है और जहाँ भगवान जाते हैं वो शुभ हो ही जाता है। और आप सब लोग आए हैं तो हम भागवत महापुराण की चर्चा कर रहे हैं, तभी हम आरती करेंगे और भागवत महापुराण की जो भी स्थापना करेंगे तो आरती करेंगे, तो आप सब उसमें भाग लीजिए। तो हम आरती करेंगे, आप कर देंगे, तो आरती करके आप उनको भी परिवार को भी आरती करवाइए। ठीक है, आप करके उनको भेजेंगे, वो भी करेंगे। जो प्रभु जी आप भी आ जाइएगा, वो करके आपको दे देंगे, तो आप आरती करिए, स्थापना हम लोग करेंगे। नरसिंहाय नमस्ते, नरसिंहाय नमस्ते, नरसिंहाय नमस्ते, नरसिंहाय नाद गाइए, जय 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 जय
हरिनाम संकीर्तन धर्म के अवतार की जय।